गाइस, एक नए टॉपिक में स्वागत है आपका। ये सिलेंडर किट के बारे में कुछ जानकारी देना था आपको। ये सीबी शाइन है, ये मैंने 30 पो 6 हज़ार में बोर करके दिया था। 30 पो 6 हज़ार चली थी गाड़ी, ये बोर करके दिया था मैंने। बोर करने के बाद गाड़ी है ना 90 पो 5 हज़ार 80 पो 3 किलोमीटर चली है। ये अब है ना थोड़ा सा स्मोक दे रही है लाइट में, बहुत ज़्यादा नहीं, कम में, बहुत लाइट में स्मोक आ रहा है गाड़ी में। ये गाड़ी मेरे पास आई थी कि क्लच प्लेट ख़राब हो गया था। क्लच प्लेट ख़राब होने के बाद मैंने ये गाड़ी खोला तो देखा तो ऑयल बहुत कम ही था, इसलिए मैं आपको एक जानकारी दे दूँगा तो अच्छा ही होगा। पकड़ रहे हैं, ये देखिए उषा का पिस्टन ही है, इधर देखिए। ये 50 नंबर को करा था मैंने, ये 25 नंबर का कुछ फॉल्ट हो जाने से ये ज़्यादा कट काट कर लूज़ कर दिया था, इसीलिए मैं 50 नंबर डाला था। मेरे को अच्छा याद है, ये गाड़ी मैंने इंजन काम करके दिया था, बोरी ऑफ इंजन करके दिया था और करा कर 50 पो 9 हज़ार चिल्लर भागी है गाड़ी, देख सकते हो। ये मैंने बहुत एमरी पकड़ कर क्लीन कराया है, इतना ही इसकी वजह से ये क्लीन दिख रहा है आपको। ये रिंग्स भी मैं क्लीन करूँगा, ये पिछला भी वीडियो है मेरा, इस आइकॉन में आ जाएगा, वो भी देख लीजिए। अब ये 50 पो 9 हज़ार चलने के बाद गाड़ी में बोर लूज़ होना चाहिए था। ये देखिए, अब मैं कोसी साइड काटा था पिस्टन लॉक का, तो देखिए इधर ये साइड पिस्टन लॉक है, ये साइड नहीं है, ये साइड ही मैग्नेट साइड ही मैंने लॉक काटा था। देखिए बोर, अब पिस्टन डालने के बाद कितना टाइट है, अंदर जा रहा ही नहीं है। ये दूसरे बोर सेंटर रहेगा तो ये बोर सेंट्री है, देखिए अंदर जलने के बाद भी पिस्टन टाइटी है बोर, देखिए झटकने से भी अंदर नहीं जा रहा है, देख सकते हो। बोर सेंटर चेक करना चाहिए, मैंने को बोला था ना, वो यही फ़ायदा होता है आपको। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये एक सेट रिंग्स डालने की सोच रहा था मैं, देखिए पुराना वाला रिंग्स ही है, इसमें नंबर भी दिख जाएगा आपको, उषा कंपनी का ही है नंबर, उतना क्लियर से नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, देखो 50 50 mm है 50। अब मैं इसका साइज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए ये तो गैप नहीं है, थोड़ा सा है, ये सेकेंड वाला रिंग्स है, ये भी थोड़ा सा गैप है, एक एक दे रहे हैं। ये ऑयल रिंग्स हैं, ये देखिए बहुत गैप है, इसीलिए ऑयल फ्री थी घड़ी है। ये भी गैप है, मैंने इसीलिए ये ग्लैमर वाला रिंग्स लेके आया था, सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर होंडा शाइन, बाद में एक्टिवा 125 आता है ना, ये सभी को एक ही रिंग्स आता है। अब मैं ये रिंग्स चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा भी गैप नहीं, वो जीरो है ना, एक देख सकते हो थोड़ा भी गैप नहीं है। ये देख सकते हो थोड़ा भी गैप नहीं है। इसे डायल रिंग चेक करके दिखाता हूँ, दोनों भी पिकअप रिंग चेक कर दिया मैंने, देखिए ऊपर ऊपर
थोड़ा सा गैप हो। देख सकते हो, देखिए पुराना रिंग्स भी डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा गैप है, ये देखिए, ये देखिए दोनों में कितना गैप है। अब मैंने हेड भी चेक कर दिया है, अंदर के वाला सील भी चेंज कर दिए है, गाइड भी चेक कर दिया हूँ, सब ठीक ही है। ये रिंग्स डालने के बाद ये प्लग बर्निंग देखिए कितना काला आ रहा है, ये भी बर्निंग बहुत अच्छा बर्निंग आएगा। ये इंजन साउंड तो रफ नहीं था, बहुत स्मूथ ही था साउंड इसमें, लेकिन मैंने अब एक बार रेडी कर देने से और 30-40-30 हज़ार तो आराम से, 25-30 हज़ार तो आराम से चल जाएगी। ये इसमें क्लच प्लेट भी चेंज कर रहा हूँ मैं, क्लच प्लेट तो पूरा बर्निंग हो गया इसमें, देख सकते हैं। ये देखिए पूरे घिस कर चले गए। इसमें ये पिस्टन क्लीन करने का भी मैं एक तरीका दिखाया था आपको, वही तरीका मैं आपको दोबारा भी दिखाऊंगा। ये वही रिंग्स है पुरानी इसकी, इसको कट कर लेना चाहिए। ये फेस है ना कंपनी के जो से आता है ना, ये कट करा हुआ है, ये इसी से क्लीन करना चाहिए आपको, बहुत ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा आपको। देखिए कितना क्लीन हो रहा है। ये होल भी क्लीन करना चाहिए आपको, इसमें जो होल आते हैं ना छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये होल भी क्लीन करना चाहिए आपको। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है घड़ी में काम करने के लिए, क्लीन कितना अच्छा क्लीन करेंगे ना उतना अच्छा घड़ी का लाइफ अच्छा नहीं पड़ेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सा भी कार्बन नहीं है इसमें, देख सकते हैं। पेट्रोल में वॉश करके भी आपको दिखा दूंगा कि बोर कितना घटा है, ये देखिए। कि अब दूसरे बोर में करा कर डाल देंगे तो, ये वनिंग मशीन में कराते हैं ना, बोर करा कर डालेंगे तो ये सीधा बड़ कर तक चली जाएगी, डायरेक्ट चली जाएगी आपको, इधर पीछे से निकल जाएगी। देखिए ये बोर कराने का, लेथ में कराने के लिए आप लोग सेंटर चेक करना चाहिए, लेथ में होनिंग मशीन में कराइए या लेथ में कराइए, कैसा भी कराइए, ये पिस्टन सेंटर चेक करना चाहिए। आप लोग नया बोर लेते हो ना तो इतना टाइट आता है। देखिए हमें फटाफट इसमें रिंग्स किस तरह से बटाना है वो भी दिखाऊंगा आपको।
ये डब्ल्यू वाला तो डालिए, एम तरासी तो डालिए, क्या भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। बोलने वाले हज़ार बोल जाएंगे लेकिन अग्नि की नीयत साफ रहेगा तो कुछ भी नहीं होएगा। एम वाला इधर रखा है मैंने, ये देखिए फर्स्ट आयल रिंग वाला इस साइड रखता हूँ। देखिए फर्स्ट रिंग इधर है आयल रिंग वाला, सेकेंड रिंग इधर अपोजिट रखता हूँ। देख लीजिए सेकेंड रिंग इधर रख दिया है मैंने, देख सकते हैं। देखिए सेकेंड रिंग इधर रख दिया है मैंने और सेकेंड रिंग के लिए अब जो फर्स्ट रिंग आयल रिंग डाले हो ना, ये सेकेंड रिंग उस फेस पर रखना चाहिए। सेकेंड रिंग ये देखिए सेकेंड है, नंबर टू लिखवा रहे हो, ये सेकेंड रिंग पिकअप रिंग है ना, इस साइड पर रखना चाहिए। देखिए ये सेकेंड वाली, ये फर्स्ट, ये नीचे से फर्स्ट रिंग आती है ना, ये सेकेंड रिंग पिकअप रिंग सेकेंड रिंग को रखना चाहिए। ये नीचे से फर्स्ट रिंग आयल रिंग और पिकअप रिंग सेकेंड रिंग ये फेस को रखना चाहिए। ये देखिए ये फर्स्ट वाली रिंग्स है, देखिए नंबर वन है टॉप वन। इसको क्या करना है, अब जो आयल रिंग वाली फर्स्ट है ना ऊपर से फर्स्ट, ये फर्स्ट और फर्स्ट इसको रखना चाहिए फर्स्ट वाली। मैं हर घड़ी में भी यही तरह से फिट करता हूँ लेकिन आप लगा भी कुछ इशू नहीं है, लेकिन एक भी रिंग्स आपको इधर टिक जाएगी ना तो आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज़बरदस्त चलेगी आपको। मैं फटाफट ये फिट कर स्टार्ट कर वीडियो भी इसी वीडियो में डाल दूंगा, इतनी सी जानकारी देना था आपको। अब प्लग बर्निंग भी दिखाऊंगा मैं आपको, देख लीजिए प्लग बर्निंग कितना काला है ना, ये कितना कलर आता है, कितना वाइट आता है ना, वो भी दिखा दूंगा। लेकिन 50 को 9000 चलने के बाद भी गाड़ी में बोर क्या भी हुआ नहीं है, आप लोग देख सकते हो। वह जेन्युइन पिस्टन डालने से भी जेन्युइन रहना चाहिए। अच्छा मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको वीडियो डालूँगा। लो गाइस वो बोर्ग रिंग्स फिटिंग के बारे में, शाइन के बारे में वीडियो बनाया था ना, वो देखिए ये पुराना वाला प्लग डालकर मैंने स्टार्टिंग रखा था, अब मैं काट कर नया डाला था, ये बॉश कंपनी का देखिए। रिंग्स फिटिंग रखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। वॉशिंग के जरिए गाड़ी देखिए पूरा खोल कर वॉश कराता हूँ मैं, साइड कवर सीट चेन कवर सभी खोल के वॉश कराता हूँ। अच्छा वॉश होने के बाद भी वीडियो दिखाऊंगा आपको।
गाइस चेन रेडी हो चुकी है, वो इसका प्लग बर्निंग भी दिखाता हूँ दोबारा एक बार। रेडी हो गई है, थोड़ा थोड़ा भी कार्बन नहीं है, नया कैसा डाला था ना वैसा ही है। अच्छा, मेरा काम अच्छा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।